अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 News 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। थाने शहर हैदराबाद के चंद्रनगुट्टा पुलिस ने एक धोखेबाज शख्स जो फोर व्हीलर गाड़ियों को किराए पर देने का काम करता था, इसे हिरासत में ले लिया गया और इसके पास से 8 कारें जो कि 1 करोड़ मालियत की है, इसे जब्त किया गया। आज DCP साउथ ईस्ट जोन CH रुपेश IPS ने चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कारें चोरी करने के इल्ज़ाम में पकड़े गए अफराद के बारे में तफसीलात बताई। इन्होंने इस मौके पर शहरियों से अपील की है कि किसी पर भी भरोसा करके अपनी कार किराए पर देने की गर्ज से ना दी जाए और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने पर ही इनसे कारें खरीदी जाए। उन्होंने चंद्रनगुट्टा और साउथ ईस्ट जोन के तहत आने वाले तमाम इलाकों में रात के अवकात में गैर ज़रूरी घूमने वालों को भी इंतबाह जारी किया। आइए नाज़रीन देखें ये रिपोर्ट। 10 News 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 436/23 इसमें 420/406 एक केस किया गया है। हमको एक कंप्लेंट आया कि मोहम्मद असलान नवाज बोल के एक बंदा है, एक रेंटे कार बोल के एक बिजनेस धंधा करता है। इस बिजनेस में कई सारे लोगों के साथ, लोगों के पास जो भी फोर व्हीलर्स है वो फोर व्हीलर्स लेके उसको रेंट पे इधर उधर देता है। उसको ये ऐसा लेने के लिए हर एक महीना कुछ पैसा देता था। पहले 3-4 महीने पैसे अच्छे से टाइम टू टाइम ओनर्स को दिया। उसके बाद इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करके एक एक गाड़ी को इधर उधर भेजना या किसी को हैंड लोन लेके तनखा करना, वैसा करके लगभग 8 व्हीकल्स को, 8 फोर व्हीलर्स को फ्रिज करके कुछ व्हीकल्स को भेज दिया, कुछ व्हीकल्स को तनखा किया। सो ऐसा चीट करके लगभग अभी 1 करोड़ 20 लाख तक प्रॉपर्टी है। आज चंद्रनगुट्टा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर SHO और ACP चंद्रनगुट्टा, इन तीनों का एक टीम वर्क और हमारा कॉन्स्टेबल्स SIs का टीम वर्क के साथ आज इतने बड़े 8 फोर व्हीलर्स लगभग 1 करोड़ 20 लाख का प्रॉपर्टी सीज किया है। ये हमको और भी खबर आ रहा है कि ऐसे केसेस पहले भी SR नगर में हुआ है। तो उसी समय इन्होंने मोहम्मद असलम नवाज ये उस केस में भी था। सो अभी उधर जो ट्रिक पता करके इधर भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश किया, बट हमारा टीम ने पूरा 8 व्हीकल्स को सीज किया और भी कुछ व्हीकल्स का कवर आ रहा है। और जो भी रिमेनिंग व्हीकल्स है जहाँ जहाँ भेज दिया वो व्हीकल्स को भी हम पकड़ेंगे और सीज करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो गया उसमें उसको भी हम अरेस्ट करके कोर्ट को भेजेंगे। आज मोहम्मद असलम नवाज रेजिडेंट ऑफ सनत नगर, इसको और 8 व्हीकल्स को कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अभी ओनर्स को भी बोला कोर्ट में जो भी फॉर्मेलिटीज है कोर्ट में अप्लाई करके वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इस समय पर मैं चंद्रनगुट्टा, बनलागुड़ा और कंचनबाग पुलिस स्टेशन का लिमिट्स में तमाम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो जब भी गाड़ी खरीद रहे हैं उस जाति ओनर को, वो एक्चुअल ओनर को वेरीफाई करना जरूरी है। आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आपका नियरेस्ट जो बाजू का पुलिस स्टेशन आके थोड़ा वेरीफाई करो जो भी व्हीकल्स है आपके पास, और किसी से भी ये हैंड लोन दे के ये गाड़ी रखना और टू व्हीलर रखना ये मना है। ऐसा करेगा तो आपका ऊपर भी केस बुक कर सकते हैं। और एक चीज़ है, हमारा एरिया में नौजवान लोग ये छोटा मोटा चाकू लेके जाम्बिया लेके घूम रहे रात में, ऐसा घूमेगा तो आपको, अभी रात में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद IPS कब्रिस्तान है या ओल्ड स्कूल है, ओल्ड बिल्डिंग्स है जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ ये कुछ नौजवान लोग या ये ट्रबल मांगर्स इधर उधर घूम रहे हैं, उन लोगों का उस एरिया पे रात में पेट्रोलिंग स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं, ऑफिसर्स भी अपॉइंट करके ऑफिसर्स को भी बहुत सारे लोगों को
बहुत सारे मिन देके उधर भी ऑपरेशन कार्डन करके उसको लेके आके पेटी केसेस बुक कर रहे हैं। ये पब्लिक न्यूसेंस करने वालों के लिए और एक वार्निंग है, अब अननेसेसरली ये रात में बिना रीजन से घूमेगा तो आपको ऊपर ई पी टी केसेस बुक कर जाएगा। तो ई पी टी केसेस होने के बाद 10 दिन 15 दिन ऐसा इम्प्रिजनमेंट चल रहा है। सो बिना रीजन के लिए मत घूमो, और पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है आपके भी, आपका बच्चों को रात में आफ्टर 10-11 ओ क्लाक के बाद बाहर घूमने का अलो मत करो, क्योंकि एक बार केस होने के बाद फिर भी शीट ओपन करने का भी हम कोशिश करेंगे, और बाइंड ओवर भी कर रहा है। एंड जो भी आर्म्स है अभी आने वाला, इलीगल आर्म्स, लीगल वेपन्स जो भी है, एंड जो भी ट्रबल मांगर्स है, ये तमाम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है, जो भी आपका एरिया में घूम के आपको इश्यू कर रहा है, न्यूसेंस कर रहा है, डायल 100 करो। हमारा डीसीपी ऑफिस का भी कंट्रोल रूम का नंबर है, एसीपी ऑफिस का कंट्रोल रूम का नंबर है, सब नंबर अभी वेबसाइट में अवेलेबल है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब जो भी कंप्लेंट करेगा, हर एक कंप्लेंट डीसीपी ऑफिस से मॉनिटर हो रहा है, डायल 100 कॉल्स पे मॉनिटर हो रहा है, जहाँ पे भी न्यूसेंस कर रहा है। बाद में आर्म्स एक्ट, उसके बाद में पीडी एक्ट भी करेंगे, और तड़पार करने के लिए भी प्रोसीडिंग्स करने के लिए सीपी साहब ने आदेश दिया है। तो ये पूरा रिक्वेस्ट मैं मीडिया के पास और सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तमाम लोगों को शेयर करने के लिए, सबको ये पूरा न्यूज़ उसको इन्फॉर्म करने के लिए कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। Assalamualaikum, आदाब, हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं टेल न्यूज 24x7। इसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।